बेमेतरा जिला के बेरला ब्लॉक के ग्राम पिरदा के स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड कंपनी के 25 मई को हुए विस्फोट में 6 मजदूर घायल और 1 मजदूर की मौत होने की बात प्रशासन के द्वारा कही गई थी। इसके अलावा 8 मजदूरों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ब्लास्ट के बाद मलबे से मिले मानव अंग को DNA टेस्ट के लिए भेजा गया, लेकिन रिपोर्ट आज तक नहीं मिल पाई। वहीं लापता मजदूरों को मृत मानकर 35-35 लाख रुपए की मुआवजा राशि पीड़ित परिवार को दे दी गई है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मृतक के परिजन को 5 लाख रुपए का और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की थी, लेकिन घटना को 3 सप्ताह बीत चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी शासन की ओर से पीड़ितों को मुआवजा राशि भी नहीं दिया गया और ना ही DNA रिपोर्ट अब तक मिल पाई है।